अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट बहनों भाइयों उत्तर प्रदेश साठ और उत्तराखंड की पाँच सीटों पर पहले चरण का मतदान हो चुका है उत्तराखंड में पूरा चुनाव हो चुका है और उत्तर प्रदेश में महज आठ सीटों पर मुकाबला हुआ है बहनों भाइयों इस बार का चुनाव हर बार के चुनाव से बिल्कुल अलग है बिल्कुल अलहदा है और ज़बरदस्त है इस बार ग्राउंड पर जिस तरह का मुकाबला हुआ है वो अपने आप में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एक नई इबारत की का विषय बन गया है और शोध का विषय है इस बार के मतदाताओं का व्यवहार और उनका वोटिंग पैटर्न तो क्या रहा उत्तर प्रदेश की इन आठ सीटों पर और उत्तराखंड की पाँच सीटों पर आज हम इस डिबेट में खुली चर्चा करने वाले हैं बहन भाइयों उत्तर प्रदेश की आठ सीटों पर मतदान समाप्त हो चुका है ये वो इलाका है जो उत्तराखंड से सटा हुआ है सहारनपुर से लेकर राम तक की आठ सीटें और इसमें बड़ा रोचक और बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला है लेकिन इसमें बाजी मारी है सहारनपुर ने क्या रिकॉर्ड वोटिंग हुई है अप्रिशिएट करना चाहिए सहारनपुर के लोगों को जिन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व पर बढ़ चढ़ कर भागीदारी की बहनों भाइयों मेरे पास छः बजे तक का जो डेटा मौजूद है वो बताता है सहारनपुर में अड़सठ परसेंट पोलिंग हुई है और सहारनपुर बाकी उत्तर प्रदेश के लिए सबक है कि सत्तर परसेंट पोलिंग होनी चाहिए कम से कम हर सीटों पर तब हमारे देश के मतदाताओं का सही वर्डिक्ट सामने आएगा इस बार का सहारनपुर इलाके में बढ़ा हुआ मतदान लेकिन आप दूसरी जगहों पर देखेंगे तो 10 से 12 परसेंट की वोटिंग कम हुई है अधिकतम 60 परसेंट इकसठ परसेंट के आसपास कई जगह तो अट्ठावन और सत्तावन परसेंट की पोलिंग हुई है और रामपुर का सबसे पुअर परफॉर्मेंस रहा है और जो शाम पाँच बजे तक की रिपोर्ट है वो तिरपन परसेंट की रिपोर्ट थी मैं ये मानता हूँ कि कुछ लोग लाइन में लगे होंगे अभी पूरा डेटा आएगा रात नौ बजे तक फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि रामपुर में पचपन के आसपास रहेगा और बाकी जगहों पर साठ परसेंट इकसठ परसेंट के आसपास पोलिंग हुई है इस बार की पोलिंग से क्या साबित हुआ कौन सी पार्टी को बढ़त मिल रही है किस विचारधारा को अधिक तवज्जो मिली और कौन से प्रत्याशी कहाँ पर और कौन से गठबंधन को क्या मिला बहनों भाइयों इस बार भी शहरी मतदाताओं में उल्लास और उमंग का अभाव रहा शहर के बूथ सुने थे लेकिन गांव के बूथ ग्रामीण क्षेत्र के बूथ आबाद थे दोपहर का वक्त थो थोड़ा करीब तकरीबन बारह एक बजे से लेके तीन साढ़े तीन चार बजे तक बूथों में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि बहुत अधिक धूप और गर्मी थी इस कारण लोग निकले नहीं लेकिन चार बजे के बाद रिकॉर्ड तोड़ भीड़ बूथ स्थलों तक पहुंची तो इस बार क्या चला बहन भाई इस बार जो चीज़ नहीं चली है, वो है साम्प्रदायिकता दोनों तरफ से इस तरफ से भी और उस तरफ से भी यह बिल्कुल नहीं चला इस बार ऐसा लग रहा है कि वोटर्स को और इशू को लेकर वोट कर रहा है अपने मूल विषयों को लेकर वोट कर रहा है और इस बार शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह ज़्यादा देखने को मिला लंबी लंबी लाइनें ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली चाहे वो मुरादाबाद का एरिया हो चाहे वो पीलीभीत का एरिया हो पीलीभीत ने भी बहुत अच्छा वोट किया है 60 परसेंट प्लस उनका वोट शेयर होना चाहिए और बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है बहन भाई ये ऐसा फेज रहा है आठ सीटों का कि कोई कंफर्टेबली नहीं कह सकता कि नहीं ये सीट हम जीत ही लेंगे कहने को कोई कितना भी दावा करे लेकिन इस बार का चुनाव बड़ा घमासान रहा है वैसे इस इलाके में 2019 में भी बीजेपी काफ़ी घिरी हुई थी महज तीन सीटें उनके पास थी अपोजिशन के पास पांच तो इस बार जनता का वर्डिक्ट क्या है इस इलाके में हालांकि वो गठबंधन नहीं है जो गठबंधन पिछली बार था डेडली कॉम्बिनेशन जिसे कहा गया था वो इस बार नहीं है और बहनों भाइयों मैं फिर कह रहा हूँ इस बार बीएसपी ने अपने रिवाइवल प्लान पे काम किया है वोट उनको मिले हैं इसमें कोई दो राय नहीं है सहारनपुर में भी उन्हें वोट मिला है पीलीभीत में भी उन्हें वोट मिला है मुजफ्फरनगर में भी उनके प्रजापति कैंडिडेट को वोट मिला है और बिजनौर में भी वो डट कर लड़े हैं उनके पास जाट प्रत्याशी था अब ये कहाँ किसको डेंट पड़ेगा ये परिणाम बताएंगे लेकिन बीएसपी ने मजबूती से चुनाव उन्होंने भी लड़ा हालांकि वर्टिकली ये चुनाव डिवाइडेड था भारतीय जनता पार्टी का एन गठबंधन और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस कांग्रेस सिर्फ एक सीट पर सहारनपुर में चुनाव लड़ रही थी जहां मैंने आपको बताया कि अड़सठ परसेंट से ज्यादा पोलिंग हुई है तो इस बार का चुनाव इन आठ सीटों पर क्या कहता है और उत्तराखंड की पांच सीटों पर क्या निर्णय किया है वहां की जनता ने हालांकि साठ परसेंट से कम पोलिंग वहां भी हुई है कुछ स्टेटमेंट सुन लें आज हम एक्सपर्ट्स और पोलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं से समझेंगे कि उनके लिए ये चुनाव कैसा रहा माहौल तो लोगों का चेहरा बताता है मैं तो अभी ये भी नहीं पता कहाँ कितने परसेंट है कितने लेकिन ये चेहरों पर अगर खुशी है तो हम चुनाव जीत रहे हैं देखिए जो लोगों ने सोचा था वो अलग था ग्राउंड बिल्कुल अलग है लोगों ने पूरा आशीर्वाद दिया है और चार तारीख को शिव चौक पर घंटा बजाने का आदेश भगवान की तरफ से आ गया है इस बार पश्चिम की हवा भारतीय जनता पार्टी का पूरा का पूरा सफाया करने जा रही है और लग तो यह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है तो साहब कहते थे नियत तो और नीति तो नेता की अच्छी होनी चाहिए उसी में खोट होगा तो काम कैसे होगा और अब समय बदल गया लोग अपने आप जागरूक हैं आज कोई सरकारी योजना में कोई गबन नहीं कर सकता और ये व्यवस्था केंद्र में दस साल में हमने बनती देखी है तो बहनों भाई, भाई आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाएंगे समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं मनोज यादव समाजवादी पार्टी से हैं प्रियंका गुप्ता यूपी में कांग्रेस की प्रवक्ता हैं अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं और दो जाने माने पत्रकारों को हमने आज इस डिबेट में आमंत्रित किया है मुजफ्फरनगर से रायल बुलेटिन के प्रधान संपादक अनिल रॉयल जी मेरे साथ मौजूद हैं और देहरादून से सीनियर जर्नलिस्ट नीरज कोहली जी भी मेरे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं और आज सारा दिन प्रचार कार्य और मतदान पर कड़ी नजर रखने वाले वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में मौजूद हैं तो बेहतर यह है कि आज मैं अपने एक्सपर्ट और इन पत्रकारों के साथ इस परिचर्चा को प्रारंभ करूं और मेरा पहला